तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ विधानसभा के लिए। तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग अगर मेरा देखा होगा कुबन पार्क का, कुबन पार्क से गेट नंबर 3 से अगर आप निकलिएगा तो सीधा आप विधानसभा पहुँचिएगा, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, विधानसभा भी बहुत लोग बोलते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ पर सामने में आपको विधानसभा के सामने आपको मेट्रो मिल जाएगा। जैसा कि ये मेरा आप सामने देख सकते हैं, ये है मेट्रो स्टेशन और ये सामने रहा विधानसभा। तो आप चाहें तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और बस भी मिल जाएगी, 25A बस रहती है BTM से। विधानसभा के ठीक सामने आपको हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका देखने के लिए मिल जाएगा। ये हाईकोर्ट है, ये सामने में आपको विधानसभा है। ये टोटल आपको 60 एकड़ में फैला हुआ है। तो एंट्री की बात करें तो एंट्री आपको यहाँ पे 9 बजे से 5:30 बजे तक है और बिना परमिशन के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो देखना है आप यहीं पे से आप देख सकते हैं। विधानसभा बोलिए या विधानसभा बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये 1956 में बन के तैयार हुआ था। ये बेंगलोर का सबसे पुराना बिल्डिंग है, वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में ये विधानसभा आता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी सबसे बेस्ट टाइम घूमने का ये शाम के टाइम होता है, क्योंकि शाम के टाइम पूरा लाइट वगैरह जलता है तो काफ़ी और ज़्यादा अच्छा लगता है, और वीकेंड्स पे ये क्लोज रहता है। तो अगर आप विधानसभा आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप शाम ही में 5 बजे के बाद ही आइए, तभी आपको अच्छा व्यू मिलेगा। पूरा लाइट वगैरह जलता है, हर एक कमरे में लाइट वगैरह जलता है तो काफ़ी अच्छा देखने में भी लगता है। मेरे सामने देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से काफ़ी अच्छा पिक वगैरह आता है, पिक्चर वगैरह यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ से और वहाँ से एक वो गेट है, काफ़ी अच्छा लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। तो अगर ये बिल्डिंग का डोम की बात करें तो ये 60 फीट का है और इसके सपोर्ट में टोटल 8 पिलर हैं और 6 डोम हैं। 4 आगे आपको डोम दिख रहा होगा और 2 पीछे है। और अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इस पूरे बिल्डिंग में 8 फ्लोर है, 15 कॉन्फ्रेंस हॉल है और टोटल कमरा है 360। आप सोच सकते हैं 360 कमरा है टोटल, कितने बड़े एरिए में है और कितना बेहतरीन लग रहा है। ये शाम के टाइम तो और ज़्यादा बेहतरीन लगता है। ये जितने भी आप कमरे देख रहे हैं, इस चारों सारे कमरे में लाइट वगैरह जलता है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप आना चाहें विधानसभा तो आप मजेस्टिक से भी आ सकते हैं। मजेस्टिक से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है ये विधानसभा। ये मेन एरिए में है बेंगलोर के, यहाँ से बगल में आपको कुबन पार्क मिल जाएगा और भी साइंस म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आने में वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये विधानसभा का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है, मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा करके अगर आप आ रहे हैं तो शाम के टाइम ज़रूर आइए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए गुड बाय।